झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम, रामेश्वर उराव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मंत्री बने हैं। इनके ऊपर सरकार के साथ संगठन से भी तालमेल बैठा के चलने की जिम्मेदारी है। इन मंत्रियों से कांग्रेसी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता होने का इन्हें लाभ मिलेगा और सरकार में इनकी सुनी जाएगी, क्योंकि पिछली बार का अनुभव कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में इस बार 5 साल के लिए बने सरकार से कार्यकर्ता काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी, बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो मंत्री बने हुए हैं वो गठबंधन सरकार से बने हुए हैं और अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं, जो कि दिख भी रहा है। और उससे अभी तो शुरुआत है, और फिर भी जनता में भी खुशी और हम लोग कार्यकर्ताओं में भी बहुत खुशी है। जब हमारी सरकार है और हम आए दिन जैसे 5 साल झेलें, तो उससे हम लोगों को तो समझ में आ गया कि हम लोग को आगे और कैसे सुधार करके आगे बढ़ना, चाहे कार्यकर्ता हो या मंत्री हो, चाहे जो भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब कोई ऐसा काम करें कि जिससे लोग ये ना कहें कि जो 5 साल में हुआ फिर वही हो रहा है। लगभग 18 साल बाद झारखंड में एलायंस की सरकार बनी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदर करते हैं और हमारा एलायंस है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने मंत्रियों से हम आशा रखते हैं कि सबका सम्मान और उचित काम हो, जिससे कि संगठन भी उससे मजबूत हो और हम लोग जन जन तक लोगों की सेवा में जाए। झारखंड सरकार में मंत्री बने कांग्रेस विधायक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और उनकी बातें सुनना उनकी प्राथमिकताओं में है। कार्यकर्ताओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे रहे हैं कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। वही मंत्री स्वास्थ्य बन्ना गुप्ता भी कमोबेश इन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ता का दर्द जानता हूँ और आज जो भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ, इसीलिए इन्हें कभी दरकिनार नहीं करूँगा। साथ ही मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कार्यकर्ता भी उनका भाव समझने की कोशिश करेंगे। पार्टी का कृपा तो है ही, अब मैं यही कहूँगा कि हम सब मिलकर, कार्यकर्ता नेता मिलकर, राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करें, उनके विश्वास को बनाए रखें, तभी यह जो बदलाव आया है उसका सार्थक हल निकल पाएगा। कार्यकर्ता राज्य का ध्यान रखेंगे, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है, जवाबदेही बढ़ी है कि जिनको लाभ दिलाना है, जो वंचित है, जिनके स्तर को ऊंचा करना, उसके लिए वो काम करेंगे। सरकार में उनके सुझावों का सम्मान किया जाएगा। हाँ बिल्कुल है, कार्यकर्ता ही से न पार्टी है, कार्यकर्ता से न लोकतंत्र है। और यदि कार्यकर्ता हमारा अपमानित होगा, प्रताड़ित होगा, तो फिर हम किस चीज़ के नेता हैं? तो हम अपने कार्यकर्ताओं को ये कहेंगे कि थोड़ा धीरज धरिए और जो काम कार्यकर्ता जनहित के लाएंगे उस पर ईमानदारी पूर्वक काम होगा। तो है, सरकार बनी है, वो लोग तो उम्मीद जगाई है उन लोग का, और उम्मीद के अनुरूप काम करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हो सके संभव उतना ही हम लोग कर पाएंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस बार बहुत उम्मीदें हैं। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि कहा जाता है कि नेता चुनाव एक बार हारता है मगर कार्यकर्ता 5 साल के लिए। इसलिए कार्यकर्ता अब सोच रहे हैं कि सत्ता में भी उनकी पूछ हो, जिस पर फिलहाल मंत्रियों का रुख सकारात्मक है।